जय जिनेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इंट्राडे लेवल एनालिसिस करेंगे, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, ऑप्शन एंड डाटा एनालिसिस 10 अप्रैल 2024 के लिए। और कल भी मार्केट वोलाटाइल, हैवी वोलाटाइल रहेगा। और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की कल एक्सपायरी है, क्यों परसों रमजान ईद की छुट्टी है, इसलिए कल दोनों ऑप्शन की एक्सपायरी है। अब आने वाले कल के लिए अपने एनालिसिस करेंगे। और आने वाला कल जो है वो दोनों साइड रहेगा। अगर गैप डाउन खुलता है सेकंड हाफ में, गैप अप हो ऊपर की ओर ले जाएंगे ये लोग, और अगर फर्स्ट में गैप अप खुलता है तो फिर ये दोनों साइड रहेगा। और लेवल मैंने दिए हुए हैं। बाकी क्रूड का आपको इतना मैं बता दूं कि ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट वीक तक $100 हो जाए। मेरे को तो ये खबर आया कि इसी वीक में $100 हो जाएगा, लेकिन शायद देखते हैं अभी होता है कि नहीं है। इसलिए मैंने ग्रुप में मैसेज डाल दिया था नेक्स्ट मंथ का, लेकिन उसमें काम नहीं हो रहा है। तो इस मंथ का लेना हो तो आप ले सकते हो। 6400 का कॉल का भाव है ₹60। जीरो हीरो समझ कर रखना हो तो ले सकते हो ₹6000 का रिक्स है। ये आज की समरी है। और निफ्टी पहले लिए थे 49 में, पहला सौदा हम लोग कॉल लिए थे लेकिन कॉल आया नहीं। 31 में बोला था, 33.5 से घूम गया और वहाँ से वो 61 भी गया, तो वो टर्न मिस हो गया। फिर मैंने 49 पे लेने को बोला था, फिर समझ में नहीं आया तो मैं बोला एक बार एग्जिट हो जाओ 43 में, जब चलेगा। जब चला तब फिर 51.65 में दिलवाया मैंने, 52 में, और वो बिकवाया 89 में 50%। फिर 106 गया था, हम लोग का टारगेट था फर्स्ट 108 का, तो ₹106.60 गया, तो उसके ऊपर नहीं गया। मेरे को था कि 125 तक जाएगा तो वहाँ फुल बुक प्रॉफिट बुक कराऊंगा, बाकी ट्रेल स्टॉप लॉस बोल दिए थे। और फिर निफ्टी लिया था ₹12 में, लास्ट में नहीं चला तो ₹7 में काटे। ऊपर 12 वाला ₹5 हुआ, ₹5 वाला ₹14 हुआ, ₹14 वाला फिर ₹5 हुआ, फिर ₹14.80 हुआ, फिर वहाँ से ₹5-6 हुआ, फिर ₹11 हुआ, फिर जीरो हो गया। बैंक निफ्टी 51.65 में सुबह ही मैसेज दिया था, वो ₹66 हुआ, तो मैंने बोला ये निकाल दो भाई, लेकिन वो ऊपर में ₹100 गया लास्ट में। ठीक है, चलिए आपने जो मिला तो ₹1690 आज का जमा हुआ। इस वीक का 355, कल का 1335 माइनस करके 355 ही हुआ। देखते हैं अब, इफ़ यू बेनिफिट थ्रू लर्निंग फ्रॉम आवर कंटेंट, स्टॉक मार्केट, कमोडिटी, फॉरेक्स एंड ऑप्शन लेवल, प्लीज़ प्रेस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल HM Stocks Bears। दिस स्लाइड्स वीडियो इज फॉर एजुकेशनल एंड लर्निंग पर्पस ओनली। एज पर प्रोविजनल डाटा अवेलेबल ऑन द NSE वेबसाइट से पुल अप किए, आज FII ने इंडेक्स में 4940 करोड़ का बाई किए और सेल किए 2456 करोड़ का, नेट में 2485 करोड़ का बाई किए। FII ने FNO स्टॉक्स में 1022 करोड़ का बाई किए, FII ने केस में 593 करोड़ का सेल किए और DII ने केस में 2257 करोड़ का बाई किए। ये डाटा शीट है 9 अप्रैल की, और 10 अप्रैल को कैसा रहेगा अपने उसकी एनालिसिस करेंगे। क्लाइंट ने आज सोल्ड किए 17841 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में अब वो लॉन्ग में रहते 4221 कॉन्ट्रैक्ट। DII शॉर्ट में है 16145 कॉन्ट्रैक्ट। FII नेट सेलर से अब नेट बायर में आ गए 4023 कॉन्ट्रैक्ट। प्रो लॉन्ग में है 7901 कॉन्ट्रैक्ट। इंडेक्स कॉल में क्लाइंट शॉर्ट में है 112134 कॉन्ट्रैक्ट, और FII नेट बायर है 239449 कॉन्ट्रैक्ट। प्रो नेट सेलर है 127339 कॉन्ट्रैक्ट। इंडेक्स पुट में क्लाइंट 116819 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में है। FII 243846 कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्स पुट में लॉन्ग में है। प्रो 173078 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में है। ओवरऑल डाटा देखा जाए तो पूरा मिसमैच है, किसी ने कॉल में लॉन्ग किया तो किसी ने पुट में लॉन्ग किया है, तो हेज करके चल रहे हैं लोग। तो कल दोनों साइड मार्केट मूवमेंट रहेगी, ये डाटा से ये बता रहा है कि दोनों साइड रहेगी, बोथ साइड मूवमेंट रहेगी। बाकी आगे जो भी होगा व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट में मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। ये गुजरात गैस लिमिटेड है, आज भी चला था, आज जिन्होंने भी लिया होगा उनको फ़ायदा हुआ होगा, ऑप्शन में भी फ़ायदा हुआ होगा और कैश में भी लिया होगा या फ्यूचर में लिया होगा, सभी को फ़ायदा हुआ होगा।
कल 10 अप्रैल 2024 के लिए गुजरात गैस लिमिटेड बिलो 5150 के नीचे हो तो सेल जोन की है, 551, 545 और 5150 के ऊपर चले तो 563, 66 और 575 तक आ सकता है। और कोल जो है 550 का कोल अप्रैल एक्सपायरी वाला बिलो 23 के नीचे 22 रुपया 20 पैसे का क्लोजिंग दिया है, तो बिलो 23 के नीचे लिखा है तो 23 के पास या जो भी हो या क्लोजिंग के नीचे हो तो बेचिए 24, माने 1 रुपये का स्टॉप लॉस लगा दीजिएगा, सिर्फ 1 रुपीज़ का। और सपोर्ट 1840 और 1525। और आज मैंने पुट भी दिए 540 का पुट अप्रैल एक्सपायरी वाला, जहाँ घटे हुआ 12:30 के पास लीजिए, 13 रुपया 70 पैसे का क्लोजिंग है, तो 12:30 या 12 के पास कहीं भी मिले 11 रुपया 10 पैसे का स्टॉप लॉस या 10:30 का स्टॉप लॉस, जैसा आपको लगे। मेरे 2 लेवल आ रहे हैं, मैंने सपोर्ट दे दिए, तो 1.25 रुपया या 1.5 रुपया तक आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। रजिस्टर ऊपर में 1580 और 1580 के ऊपर चले तो 17:30 तक जा सकता है। तो ये गुजरात गैस के दोनों लेवल दिए, कॉल और पुट दोनों को। जिनको कॉल बेचना हो वो बेच कर भी खेल सकते हो, और जिनको प्लेन लेना है तो पुट लेकर भी बाई कर सकते हैं। इंट्राडे वेडनेसडे 10 अप्रैल 2024 के लिए निफ्टी स्पॉट बिलो 22,666 के नीचे सेल जोन, सपोर्ट 22,580, 22,520 और 22,425। रजिस्ट्रेशन ऊपर में 22,736 और 22,830 तक भी कल जा सकते हैं, कल दोनों साइड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इंट्राडे वेडनेसडे 10 अप्रैल 2024 के लिए निफ्टी 22,700 का कॉल वीकली वाला, जहाँ घटे हुआ 10 रुपये के पास लीजिए, सपोर्ट 3.65 का रहेगा, माने 0-0 यही है। और रजिस्ट्रेशन ऊपर में 67 और 67 के ऊपर चले तो 90 तक जा सकता। इंट्राडे वेडनेसडे 10 अप्रैल 2024 के लिए निफ्टी 22,600 का पुट वीकली वाला, जहाँ घटे हुआ 21 के पास लीजिए, सपोर्ट मैंने देखिए 18 दिया है, कि अगर आपको गैप अप खुलता है 21 के पास मिले तो 18 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखे, अगर वो कट जाता है तो फिर 10 के पास लीजिए 0-0 के लिए। रजिस्ट्रेशन ऊपर में 57, 75 और 93 तक भी कल जा सकता है, और या तो क्लोजिंग के ऊपर हो तब भी बाई कर सकते हो, 40 के ऊपर 2-3 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखिए 37 का, और टारगेट के पास प्रॉफिट बुक करते रहिए। इंट्राडे वेडनेसडे 10 अप्रैल 2024 के लिए मिड कैप निफ्टी स्पॉट बिलो 10,890 के नीचे सेल जोन, सपोर्ट 10,830, 10,780, रजिस्ट्रेशन ऊपर में 10,935 तक जा सकता है। इंट्राडे वेडनेसडे 10 अप्रैल 2024 के लिए निफ्टी मिड कैप 10,750 का पुट वीकली वाला, जहां कटे हुआ 28:30 के पास लीजिए 15 का स्टॉप लॉस, रजिस्ट्रेशन ऊपर में 54 और 68 तक जा सकता है। इंट्राडे वेडनेसडे 10 अप्रैल 2024 के लिए निफ्टी मिड कैप 10,900 का कॉल वीकली वाला, जहां बड़े हुआ 90 के पास बेचिए, या तो क्लोजिंग के नीचे हो तब भी बेच सकते हो, रजिस्ट्रेशन ऊपर में 120 का रहेगा, सपोर्ट 51 और 34 तक आ सकता है। इंट्राडे वेडनेसडे 10 अप्रैल 2024 के लिए फिन निफ्टी स्पॉट बिलो 21,700 के नीचे सेल जोन, सपोर्ट 21,620, 21,550, रजिस्ट्रेशन ऊपर में 21,752। इंट्राडे वेडनेसडे 10 अप्रैल 2024 के लिए फिन निफ्टी 21,700 का कॉल वीकली वाला बिलो 157 के नीचे सेल जोन, 137 का क्लोजिंग दिया, इनकेस गैप अप खुले तो वेट कीजिए, 157 से 186 का रेंज में कहीं भी बेचे 205 का स्टॉप लॉस लगा के, और सपोर्ट 108 और 80 तक आ सकता है। इंट्राडे वेडनेसडे 10 अप्रैल 2024 के लिए फिर निफ्टी 21,500 का पुट वीकली वाला, जहां घटे वहां 43 के पास लीजिए 20 का स्टॉप लॉस रखिए, रजिस्ट्रेशन ऊपर में 77, 94 और 115 तक जा सकता है। इंट्राडे वेडनेसडे 10 अप्रैल 2024 के लिए बैंक निफ्टी स्पॉट बिलो 48,750 के नीचे सेल जोन, सपोर्ट 48,550, 48,350, रजिस्ट्रेशन ऊपर में 48,940। इंट्राडे वेडनेसडे 10 अप्रैल 2024 के लिए बैंक निफ्टी 48,800 का कॉल वीकली वाला, जहां घटे हुआ 46 से 26 का रेंज में लेना, अगर गैप डाउन खुलता है तो 46 से 26 का रेंज में लीजिए, सपोर्ट 0 रहेगा, रजिस्ट्रेशन ऊपर में 188 और 188 के ऊपर चले तो 240, अगर गैप डाउन खुलता है तो ऊपर में कहीं भी सेल कीजिए 240 से 280 का रेंज में, 50 से 100 रुपये का स्टॉप लॉस लगा। इंट्राडे वेडनेसडे 10 अप्रैल 2024 के लिए बैंक निफ्टी 48,700 का पुट वीकली वाला,
जहाँ बैठे हूँ आप 83 के पास लीजिए सपोर्ट 55 और 27 रेजिस्टेंस ऊपर में 298-390। अगर गैप डाउन खुलता है तो फिर ये मौका हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि क्लोजिंग 277 का दिया है, तब फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। इंट्राडे वेडनेसडे 10 अप्रैल 2024 के लिए बैंक निफ्टी 48,500 का पुट वीकली वाला, जहां घटे हुआ 30 के पास लीजिए सपोर्ट मैंने दो दिए 15 और 7 रेजिस्टेंस ऊपर में 102-155। अगर गैप अप खुलता है तो फिर ये मौका निकल जाएगा, क्योंकि एक बार ऊपर का टारगेटेड हो जाएगा तो फिर लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, फिर अपने कॉल में ध्यान रखेंगे। This slides video is for educational learning purpose only. Thank you for watching our channel. मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय।